आपने बाहर भीड़ देखी होगी, मेरे तक पहुंचने में 15 मिनट लगी होगी। जिसकी मिठाई की दुकान है ना, वो कभी मिठाई नहीं खा सकता। मैंने इसकी एक फ्रेम भी देखी, वो मुझे इसमें एक मैंने टेलर में जो देखा है वो सब बच्चियों के साथ कोरियोग्राफी की है, लाल शर्ट काले पैंट में, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और कमाल किया है उसने। यू शुड ट्राई बॉलीवुड मच 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 अर्ली ना, कोई जो जब से शुरू हुआ तब से शुरू उसको बॉलीवुड की 8-10 फिल्म करनी चाहिए। सलमान के साथ, वरुण धवन के साथ, अक्षय कुमार के साथ तो करना ही चाहिए उसको। बहुत दिनों से उनकी सुपरहिट फिल्म नहीं आई है। दैट्स ऑल। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे फिल्मी टाउन चैनल पे। फाइनली सालों के बाद एसआर के पठान के बाद आए थे या अभी जवान लेके आए, अच्छा खासा रिस्पांस किया है। फर्स्ट डे में 129 करोड़ की कमाई किया और सेकंड डे भी अच्छा खासा किया, थर्ड डे भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी लग रही है। क्या कहना लगे, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बॉलीवुड की फिल्मों को? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। और आपने बाहर भीड़ देखी होगी, मेरे तक पहुँचने में 15 मिनट लगी होगी, तो ये सब बता रहा है कि पिक्चर बहुत अच्छी जा रही है और अच्छी चलेगी। बस अब ये देखना है बॉलीवुड का कमबैक कैसे होता है। आगे उनकी एक डंकी भी आ रही है और हमारे सलमान जी की आ रही है वो कौन सी अपनी टाइगर 3, वो भी कमाल करेंगे उसके अंदर। बस भगवान करे बॉलीवुड का कमबैक हो जाए। अभी आपने सर मेंशन कर ही दिया टाइगर 3 का, तो क्या लगता है जिस तरीके से एसआर के फैंस ने 6 बजे का शो लिया था, क्या लगता है टाइगर 3 के वक्त ऐसा जश्न? उनको रात को 12 से 3, 3 से 6 लेना चाहिए। तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। ओके सर, जिस तरीके से अटली when you saw the film, आपका एज ए एग्जीबिटर या फिर एज ए ऑडियंस आपका क्या रिएक्शन था जवान को देख? एक बात ध्यान रखना, ये सवाल बहुत अच्छा किया है, आज पूछा कभी पूछना नहीं, वजह बता रहा हूँ। जिसकी मिठाई की दुकान है ना, वो कभी मिठाई नहीं खा सकता। मैंने इसकी एक फ्रेम भी देखी, रवि गुप्ता की वजह से मैं इसकी ट्रेलर देखी है और मैं ट्रेलर में खुश हो गया हूँ। और पिक्चर देखनी है, मेरी वाइफ भी बोल रही है देखेंगे, फैमिली के साथ आएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एप्रिशिएटिंग एसआर के, एटली डायरेक्टर पीपल आर एप्रिशिएटिंग, उनके बारे में आपको क्या लगता है? वो मुझे इसमें एक मैंने ट्रेलर में जो देखा है वो सब बच्चियों के साथ कोरियोग्राफी की है, लाल शर्ट काले पैंट में, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और कमाल किया है उसने, वो सबको अच्छा लगेगा। और वो यंग डायरेक्टर ने आज ये जो डायरेक्ट की है, बड़ी खुशी की बात है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको उनके थोड़े से बारे में बता दूं कि उन्होंने अपने साल में सिर्फ 5 ही फिल्में की है, एक तो राजा रानी और बाकी की 4 फिल्में थी जो विजय थलापति के साथ की थी, बाकी चारों फिल्में सुपर डुपर हिट रही है। अभी जवान के साथ हुआ है 5वीं फिल्म लेके, क्या लगता है बॉलीवुड में उनका कैसा करियर हो सकता है या फिर उन्होंने? ही शुड ट्राई बॉलीवुड मच 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 अर्ली ना, कोई जो जब से शुरू हुआ तब से शुरू उसको बॉलीवुड की 8-10 फिल्म करनी चाहिए। हिस्सा चब्बार वाले समय दिमाग से इतने परफेक्ट है और क्या बोलूं। एज ए एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ इंडस्ट्री, क्या लगता है किस हीरो के साथ उन्होंने अभी ट्राई करना चाहिए? एसआर को हो गया तो अभी किस हीरो के साथ उन्होंने? सलमान के साथ, फिर अपना और कौन है, वरुण धवन के साथ, वरुण धवन के साथ, अक्षय कुमार के साथ तो करना ही चाहिए उसको। बहुत दिनों से उनकी सुपरहिट फिल्म नहीं आई है। दैट्स ऑल। ओके सर, लास्ट सवाल रहेगा कि जिस तरीके से लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग साउथ कर रहे थे वगैरह, ये साल में बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आई है जिन्होंने प्रूव कर दिया कि बॉलीवुड इज समथिंग, क्या लगता है ऑफिशियली तरीके से बॉलीवुड बैक हुआ है क्या नहीं हुआ है? बॉलीवुड का कमबैक शुरू हुआ है, अब आगे देखो कितना चलता है बस। क्योंकि अभी तक तो हम लोग साउथ की पिक्चर्स में ही पुष्पा, KGF 1, KGF 2, RRR वो सब चला के खुश हो रहे थे, अब बॉलीवुड चला के खुश हो रहे हैं। और ये हमारे बॉलीवुड के जितने स्टार हैं इंक्लूडिंग अमित जी, सबको सनी देओल जी आई रिक्वेस्ट हिम, एक आध पिक्चर करके बैठ जाते हैं, मैं करो पिक्चर और आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, अभी जिस तरीके से अभी एसआर के ने तीसरा दिन भी अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी लाया, क्या लगता है व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन एज एग्जीक्यूटिव फ्रॉम फॉर दिस फिल्म? फिल्म इज गोइंग टू डू अ गुड बिजनेस, वेटिंग फॉर वीक टू गेट कंप्लीट। ओके, तो आते वीक में मेरे से कंट्रोल होगी तब मैं बता दूंगा पूरी बात। क्या बात है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।